आप में से कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे? आप लोगों का फ्यूचर कितना ब्राइट है ये देखिए. ये भगवान. एमबीए भी हैं कुछ लोग यहाँ पे. एमबीए चलो खैर अभी भी. तो अब आपको दो लोगों की बातों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. एक जो एमबीए किया हो या इंजीनियरिंग की हो और साथ में किताबें लिखता हो, तो मैं जो भी कुछ सुनाऊंगा वो सब कुछ झूठ होगा, कुछ भी सच नहीं होगा, सिवाय पहली कहानी के जो मैं अभी सुनाने वाला हूँ जो सच में हुई थी. ठीक है, रेडी? तो हम सब लोगों ने आपने क्या होता है ना, जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी ना कभी आप कहीं जाए बोलने, कल को आप कभी ऑफिस में या कॉलेज में जब भी आपके बारे में बहुत लंबा बोले ना, कोई तीन चार लाइन में बोलना पड़े कि इन्होंने ये कर दिया है और इन्होंने तीन किताबें लिख दी हैं, इन्होंने ये सब कर दिया, एक्चुअली तब तक ये मान लीजिएगा कि इसने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ मचाई नहीं है. क्योंकि ना अब जैसे अमिताभ बच्चन है, अगर अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूस करना हो तो कभी कोई बोलेगा क्या कि इन्होंने दीवार में काम किया है, इन्होंने शोले में? नाम ही एड्रेस है ना. अपने आप में जब नाम एड्रेस हो जाता है उस दिन आप लाइफ में अराइव कर जाते हैं. तो ऐसा हिंदी के लेखकों के साथ तो बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी. अच्छा एक आखिरी चीज़, यहाँ पे किसी का नाम नेहा है क्या? मैं वही सोच रहा था कि आपका नाम नेहा हो जाए, है ना. चलिए बहुत बढ़िया. तो एक बार ये कहानी है अमिताभ बच्चन की, पहली कहानी, ये सच्ची कहानी है, इसके बाद मैं सारी कहानियाँ झूठ सुनाऊंगा. मुंबई में क्या होता है कि जैसे लैंडमार्क है कि अमिताभ बच्चन का घर, अब पता नहीं आप में से कुछ लोग अगर कभी मुंबई गए होंगे तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन का जो घर है उसके पास में पृथ्वी थिएटर है जहाँ पे प्ले होते हैं. तो एक बार मैंने ऐसे ही कैब बुक की, और हिंदी का लेखक जब कैब बुक करता है तो हमेशा शेयरिंग में कैब बुक करता है. उसकी तीन वजह हैं, पहला पैसा, दूसरा पैसा, तीसरी वजह है उम्मीद कि शायद कोई नेहा पड़ जाए शेयरिंग में. तो मेरे साथ उस दिन मैंने जब बुक की तो मैंने देखा कि ये कोई, आई एम शेयरिंग विद नेहा. अब इसके बाद मैं ड्राइवर को समझा रहा हूँ कि ये पृथ्वी थिएटर है, यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ ये वो, ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा है. तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन का घर देखा है? उसने कहा हाँ सर देखा है. तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन के घर के बाहर मिलो. तो पृथ्वी थिएटर और अमिताभ बच्चन के घर की दूरी यहाँ से पहले स्टेज की दूरी के बराबर है. और मैं तड़ी में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर खड़ा हूँ, कैब यू टर्न लेके आ रही है. और जैसे ही कैब आई तो मैंने ऐसी टशन मारने के लिए कि मैं तो कभी शेयरिंग में कैब बुक नहीं करता, ये कैसे हो गया? तो नेहा ने कहा कितनी दूर जाना है आपको? तो मैंने कहा बस पास ही में. कहते ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाइए पास में ही, मुझे भी जाना है. और ऐसा करके अब मुझे लगा कि चलो बैठ गए. दाईं तरफ जिधर राहुल बैठा है उधर नेहा, मैं इधर बैठा हुआ हूँ कैब में. और मैंने फ़ोन अपना तुरंत बंद किया और ऐसे ही किसी दोस्त को, जैसे राहुल को मैंने फ़ोन किया कि अमित जी को बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट और उन्होंने बोला है कि वो काम करेंगे, बस उन्होंने बोला कि एक दो जगह चेंज करने हैं. तो मैंने बोला अमित जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन मैं स्क्रिप्ट चेंज नहीं करूँगा. अब मैंने बोल तो दिया, मैं दोस्त को ऐसे ही फर्जी हवा में फेंक रहा हूँ कि दोस्त को मैं बोल दिया कि, और उधर से ये डर भी लग रहा था कि अमित जी कहीं मना ना कर दें. लेकिन पता है अमित जी ने क्या बोला, ये सब मैं फ़ोन पे हो रहा है ना, कि पता है अमित जी ने क्या बोला कि देखिए श्रीमान मैं तो कहता हूँ कि लेखक ही फिल्म का पहला हीरो होता है, मेरे तो पिताजी खुद भी एक लेखक थे. और तो मैंने कहा सर भाई वाह, और आपने जैसा लिखा है वैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा स्क्रिप्ट में. अब मुझे ये लगा कि यार मैंने ठीक ठाक फेंक दी है, अब फोन रख देना चाहिए. अच्छा इतने में नेहा ने मेरे से पूछा, इस दुनिया का सबसे अच्छा सवाल जो किसी लेखक से पूछा जा सकता है, कि आप लिखते हैं? तो मैंने कहा कि ऐसे ही थोड़ा बहुत, मतलब अब हिंदी किताबें पढ़ता ही कौन है इस दुनिया में. तो कहते आप उसका लिंक भेज देंगे? अच्छा उसने जैसे ही बोला आप लिंक भेज देंगे किताब का, तो उससे दो काम हो गए. एज अ इंजीनियर आप सब लोग ऐसे प्रोसेस होता है ना कि नंबर मांगना नहीं पड़ा या देना नहीं पड़ा, अपने आप ही नंबर दिया और उस पर लिंक पे किताब. ये सब बातचीत हुई इधर उधर की, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया कि, तो उसने जब पूछा कि आप लिखते हैं तो मैंने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत, और मैं तो हरिवंश राय बच्चन जी को ही देख के मैंने लिखना शुरू किया बहुत बड़े, और अब तो अमित जी भी थोड़ा बहुत अपना आना जाना हो गया है वहाँ जैसा. तो इसके बाद फिर उसने लिंक भेजा, मैंने लिंक भेज दिया और उसका स्टॉप आ गया. इनफैक्ट मेरे को लगता है मेरा स्टॉप पहले आया था. तो हाँ उसका, नेहा का स्टॉप आया और नेहा उतर के चली गई. और उसके बाद उसका मैसेज आया
कि ऐसा है कि मुझे अगर तुम्हारी बुक पसंद आएगी, हाँ, तो उसने उससे पहले एक बात बोली, मैं बात बोली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस कहानी की, तो उसने बोला कि मैं अमित जी की पीआर टीम में काम करती हूँ, सर 10 दिन से बाहर हैं, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी किताब पसंद आई तो मैं ज़रूर अमिताभ बच्चन तक तुम्हारी किताब पहुँचा दूँगी, थैंक यू। तो ये तो एक असली घटना हो गई। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले, क्योंकि अब मोर और लेस यहाँ पे सारे इंजीनियर ही हैं, तो इसलिए कोई आपको, आप लोग कुछ भी झेल जा ही रहे हो ना, पूरा एजुकेशन सिस्टम, तो आपको कोई भी कहानी सुनाई जा सकती है, तो थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ मैं। तो हम लोग जैसे टाइम में जब हम पढ़ते थे ना, तब ये व्हाट्सएप मोबाइल वगैरह थे नहीं, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इतना बुढ़ा मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन हूँ, तो तब हमारे यहाँ पर्ची में हम कम्युनिकेट करते थे क्लास में, पर्ची पे लिख के कुछ भेज दिया करते थे, पर्ची पे लिख के कुछ आ जाता था। तो अगली कहानी का नाम है पर्ची, और नेहा ये आपके लिए है ना, अब मैंने इसलिए भी आपको पकड़ लिया कि आप उठ के ना जाएं यहाँ से, ये मैं करता हूँ, अभी इधर से वो लोग जाने लगे तो मैं उधर से किसी को पूछ लूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अब दो दो नेहा हो गई, मेरे को आज तक एक भी नहीं मिली थी, तो बैंगलोर हमेशा सूट किया है मुझे इस मामले में। तो खैर, अगली कहानी का नाम है पर्ची, और नेहा मैं पूरे कॉलेज कभी तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन आज से 5 साल पहले जब तुम्हें, आज पता नहीं क्यों 5 साल बाद तुमसे ये सब कुछ कहने का मन कर रहा है, कॉलेज के पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुमसे इंस्टेंट कॉफी वाला प्यार हो गया था मुझे। तुम जो क्लास में अपनी सहेलियों के साथ पीछे बैठती थी, आज भी तुम पीछे ही बैठी हो। तुम जो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमसे कॉफी के लिए पूछूं। एक बार मैं बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा, हाय नेहा, दिव्य, दिव्य प्रकाश, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड स्टाइल में। तो तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, तुम दिव्य प्रकाश हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं। ये बोलते ही, जैसे ही तुमने बोला, तुम्हारी सारी सहेलियां फूट फूट के हंसने लगी। हंस वो रही थी, फूट मैं रहा था, मन ही मन, अंदर ही अंदर। खैर, ये पूरी दुनिया में, शायद इंडिया में ही ऐसा होता है ना, जब दो लड़कियां या पूरा ग्रुप जब लड़कियों का हंसता है तो सब एक साथ हंसती हैं, बात चाहे उन्हें पता हो और चाहे ना हो, है ना। खैर, अब पता नहीं कैसे तुम लोग की केमिस्ट्री मैच कर जाती है। इस फूटने वाले कांड के बाद अगले 6 महीने मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमसे कॉफी के लिए पूछूं। लेकिन जो ये इंस्टेंट कॉफी वाला प्यार होता है ना, रह रह के उबाल मारता है। तो एक बार मैंने देखा कि तुम क्लास में लेट आई हुई हो और पीछे कोई जगह भी नहीं थी, और वैसे भी स्कूल और कॉलेज में यही एक बेसिक फर्क होता है, स्कूल में लोग आगे वाली सीट घेरने के लिए जल्दी आते हैं और कॉलेज में पीछे वाली सीट घेरने के लिए। तो खैर, तुमने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में तुम मेरे पड़ोस में आके बैठ गई, और जो लेक्चर अभी तक एकदम बोरिंग लग रहा था, एकदम से मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। अब मुझे लगा कि आज ये मौका मिस नहीं होना चाहिए, और ऐसा पहली बार हुआ था कि तुम्हारी कोई भी सहेली तुम्हारे आसपास नहीं थी। मैंने एक पर्ची पे लिखा सॉरी और तुम्हारी तरफ बढ़ा दी, और ऑब्वियसली तुमने पर्ची देखी और मेरी तरफ घूर के देखा और वो पर्ची फाड़ दी। फिर पता नहीं क्या सोच के तुमने लिखा, इट्स ओके। मैंने फिर एक पर्ची पे लिखा, कैंटीन में कॉफी, प्लीज मना मत करना। तुमने 10 मिनट तक सोचा और लिखा, ओके। मैंने फिर लिखा, एक चीज और। तुमने पूछा, अब क्या? तो मैंने लिखा, प्लीज अपनी सहेलियों को लेके मत आना। ये पढ़कर तुम बहुत जोर जोर से हंसी, जैसे अभी हंस रही हो, और इस हंसने की वजह से हम दोनों को क्लास के बाहर निकाल दिया गया। आज जब तुम्हारी शादी के कार्ड का ईमेल आया है जिसमें लिखा है, प्लीज ट्रीट दिस एज पर्सनल इनविटेशन, तो पता नहीं क्यों ये सब कुछ याद आ गया। एक पर्ची पे लिख के ही भेज दिया होता तो तुम्हारी शादी में पक्का आ जाता। थैंक यू। गले हुए
कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। एक लड़का वो था जिसने थी लिखी कहानियां, एक लड़का वो था जिसने थी पढ़ी कहानियां, एक लड़की वो थी जिसने थी लिखी कहानियां। शाम की वो ट्रेन थी और लंबी रात थी, शाम की वो ट्रेन थी और लंबी रात थी, पिन टिकट चढ़े थे हम, कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं खुशी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। कॉर्नर की सीट थी, कॉर्नर की सीट थी, हाथों में तेरा हाथ था, कॉर्नर की सीट थी, हाथों में तेरा हाथ था, फिल्म का हीरो था कौन, अब कहां हमको याद था। कुछ भी ना कहे थे हम, वो चुप भी कब रहे थे हम, कुछ भी ना कहे थे हम, वो चुप भी कब रहे थे हम, वो मर के क्यों जिए थे हम, कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूरत थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। यूं तो सब कहानियों में, यूं तो सब कहानियों में प्यार आम बात है, यूं तो जिंदगानियों में मरने तक ही साथ है, यूं तो सब कहानियों में प्यार आम बात है, यूं तो जिंदगानियों में मरने तक ही साथ है। साथ चल दिए थे हम, साथ चल दिए थे हम जिंदगी के वास्ते, जान के भूले थे हम घर के सारे रास्ते, वो रात भर लड़े थे हम, वो रात भर लड़े थे हम, कोई तो ऐसी बात थी। कहीं दिन डले हुए, कहीं बेसुरी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। सब खुदाओं के यहाँ खूब भीड़ भाड़ थी, सब खुदाओं के यहाँ खूब भीड़ भाड़ थी, यादों को किया इकट्ठा हाथ में कबाड़ थी, यादों को किया इकट्ठा हाथ में कबाड़ थी, आदतें हिसाब की और आदतें किताब की, आदतें हिसाब की और आदतें किताब की, आदतों की आदतें वो बात बेहिसाब की, गिन के क्यों पिए थे हम, कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूनी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। ये तो हमारे जनरेशन का प्यार हो गया। एक्चुअली इस पूरे हम लोगों के प्यार में जो हमारी जनरेशन कर रही थी, तो जैसे मुझे अब लगता है, जैसे अब जो बच्चे कर रहे होते हैं जितनी तेजी से प्यार कर रहे हैं, तो ये लगता है ये साल मतलब ये कोई प्यार है, मतलब इतनी तेजी से रोज हुआ जा रहा है, 3 महीने में ब्रेकअप हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है, मैं मिस करता हूँ ये सब, बट वो बात अलग है कि तो जब जैसे ये जनरेशन अगली जनरेशन मुझे खराब लगती है कि ये क्या प्यार कर रहे हैं, प्यार तो हमारे टाइम पे होता था। ऐसी मेरे पिताजी की जनरेशन है जिनको लगता था ये क्या प्यार कर रहे हैं, प्यार तो हमारे टाइम पे होता था। तो ये कहानी मेरे पिताजी के प्यार की है। मेरी बहन बैठी है यहाँ पे, सगी बहन, तो इसको भी पता होगा ये सब हम लोग के घर। अब जैसे घर की बात है, अब कर लेते हैं, घर आए तो ऐसा है। तो मेरे जो पापा प्यार करते थे, और मुझे लगता है इस दुनिया के सारे पापा, वो मेरी मम्मी से प्यार नहीं करते थे, वो करते थे प्यार मेरी क्लास सेकंड की जो टीचर थी, मीना पाठक। मीना पाठक को वो मीना कुमारी बुलाते थे प्यार से। और हुआ कुछ ऐसा था कि मैं पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं था, हालांकि मैं कमज़ोर होता उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, इंजीनियर तो ऐसे भी बन ही सकते हैं, लेकिन ये बात मेरी टीचर ने ईगो पे ले ली थी। तो हुआ क्या कि मेरे मैथ्स की टेस्ट की कॉपी घर पे आई और मेरे को 19 नंबर मिले थे 20 में से, 19 out of 20, और घर में बवाल कट गया कि दुबे खानदान में पिछले 100 साल में इतने कम नंबर, एक नंबर कैसे कट गया।
और हुआ क्या, जब कॉपी चेक की गई तो उसमें टीचर ने शायद मीना जी ने ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने एक नंबर चेक ही नहीं किया था, उसके नंबर नहीं थे, मेरे 20 में से 20 ही थे। अब पिताजी भनभनाते हुए अगले दिन स्कूल में कि देखे कौन टीचर है और क्या है ये सब है अपना, जैसे ही गुस्से में अगले दिन मेरे को लेके पहुंचे और जैसे ही उन्होंने पहली बार देखा मीना मैडम को, सब गुस्सा ऐसा गायब हो गया जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद से काला धन इस देश से गायब हो गया, है ना। वो अपना, और अब वो बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कह रहे कि कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि एक बार देख लें डिप्पी, मेरे घर का नाम डिप्पी है, कि डिप्पी पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो कहते नहीं आप तो बहुत अच्छा किया, कितने पेरेंट्स हैं वो तो आते ही नहीं है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, आप तो कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चे का। मैं बता रहा हूँ कह रहे कॉपी दिखाओ कॉपी दिखाओ, वो कह रहे नहीं रुको एक मिनट, और उन्होंने कहा कि नहीं बाकी सब ठीक है, और तो टीचर ने बस कहा, मीना मैडम ने कहा कि बाकी सब ठीक है, ये डिप्पी की राइटिंग थोड़ी सी खराब है। तो पापा ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, इसकी राइटिंग इतनी खराब है, आप मैथ्स के पेपर में भी राइटिंग के एक दो नंबर काट लिया करिए इसके। उसके बाद से तो उन्होंने बोला कि देखिए डिप्पी वैसे पढ़ने में ठीक है, थोड़ा और फोकस करेगा तो क्लास में फर्स्ट भी आ सकता है। अच्छा ये थोड़ा और फोकस जो होता है ना लाइफ में, ये इतनी बड़ी गोली है, बचपन से थोड़ा और कर लो, हाई स्कूल कर लो, ट्वेल्थ कर लो, उसके बाद कर लेना प्यार, कोई बात है। तो खैर उन्होंने कहा थोड़ा फोकस वाला मुझे समझ नहीं आया, बट फिर भी अब तो पापा जी ने कहा कि मैं पर्सनली डिप्पी की हैंडराइटिंग का ध्यान रखूंगा। इसमें एक टेक्निकल समस्या थी कि जो पिताजी की राइटिंग थी वो ऐसी थी कि सुबह जो एक बार लिख देते थे वो शाम को खुद नहीं पढ़ पाते थे, ऐसे एक आदमी को मेरी राइटिंग सही करवानी थी। तो खैर अब इसके बाद टीचर ने जो दुनिया का सबसे अच्छा सवाल पूछा कि ये बताइए ये अगले हफ्ते पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप आ रहे हैं ना। और पापा जी इधर बिल्कुल अपना प्रिया स्कूटर पे सेंटिमेंट लगा के पूरा मोहल्ला जान जाए अपना करके, और उस दिन मम्मी की किटी पार्टी थी तो मम्मी जा नहीं पाई, और पापा वहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। फिर ये एक सिलसिला हो गया कि हर बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पापा आते और मम्मी का कुछ ना कुछ उस दिन पढ़ जाता, लेकिन मम्मी खुश थी कि चलो कम से कम मेरी पढ़ाई पे ध्यान तो दे रहे हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं बताता हूँ क्या होता था, उसमें होता क्या था कि वो आते थे लेके मेरे को और मैडम से मिलते थे, और फिर उसके बाद ऐसे ही मैडम मेरे को बच्चे को जैसे सर पे प्यार से, मैं क्लास सेकंड थर्ड में था तो प्यार से पुचकारती थी और मेरे माथे पे यहाँ पे इस जगह मेरे को प्यार करती थी, और मैं ऐसे जब देखता था अपने पापा को कि आप कितनी भी बैटिंग कर लो छक्का हम नहीं मारना है। धीरे धीरे पापा जी के लगातार कोशिश करने से मेरी राइटिंग सही में इंप्रूव हो गई, क्लास सेकंड का रिजल्ट आया, मैंने पूरी क्लास में टॉप किया था। रिजल्ट लेने पापा पहुंचे और मीना मैडम ने पापा को कहा कि सब आपकी वजह से हुआ है, तो मीना मैडम ने पापा को कहा सब आपकी वजह से हुआ है, तो पापा ने मीना मैडम को कहा कि नहीं सब आपकी वजह से हुआ है, तो मैडम ने कहा कि नहीं इसकी तो पार्टी बनती है, तो पापा ने कहा नहीं पार्टी मैं दूंगा, तो मैडम ने कहा नहीं नहीं पार्टी तो मैं दूंगी। ये लड़ाई होती रही और मैं अपना बीच में देख के खुश होता रहा कि चलो एक ना एक पार्टी तो मिलनी ही है, और जगह तय हो गई और ये हुआ, और पापा जी ने जानबूझ के जगह और दिन ऐसा तय किया कि जगह तो ऐसी तय की जैसे कि यहाँ से क्या है यहाँ पे वाइट क्या कौन सा सिटी है जो बहुत दूर है जो भी वाइट फील्ड ना, तो समझ लिया कि यहाँ पे स्कूल है और वाइट फील्ड में पार्टी तय कर दी ताकि एक घंटे स्कूटर पे लेके हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार की तरह जा पाए, मैं स्कूटर में आगे मीना मैडम पीछे और प्रिया स्कूटर। तो खैर और जानबूझ के वो दिन ऐसा चूज किया कि जिस दिन मम्मी की किटी पार्टी होती थी। अब पापा ने पूरा सेंटमेंट लगा के हम लोग पहुंचे, इधर से हमने उनके घर के नीचे से उनको लिया मैडम के और पीछे बैठाया, और बस हम लोग अच्छा हाँ इसके बाद लेके गए, और हमने वहाँ पे जब पहुँच के उस समय मसाला डोसा, दो मसाले डोसे और मेरे लिए एक सादा डोसा ऑर्डर किया गया। खैर पानी पीने के बाद मैडम ने वही अपना जो हर बार का रिचुअल था वो दोहराया, बुला के मेरे माथे पे यहाँ पे, और उसके बाद मैडम ने अपने पर्स से छोटा मोटा, आजकल तो बहुत बड़े जैसे आपका मैडम पर सॉरी बट बहुत बड़े पर्स आने लगे हैं, जैसे घर भी घर से भागना भी तो इतना पर्स काफ़ी है वैसे आजकल, तो अपना पर्स निकाला उसमें से एक कार्ड निकाला और पापा जी को मैडम ने एक कार्ड निकाला और पापा जी को कार्ड देते हुए कहा कि भाई साहब आपको और भाभी जी को शादी में ज़रूर आना है।
और ये कहते हुए उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। पापा जी, साल भर रगड़ के मेहनत करने के बाद भी क्लास सेकंड में फेल हो चुके थे, और वो मसाला डोसा खाने में उनको इतनी दिक्कत हुई कि उन्होंने उसके जिंदगी भर मसाला डोसा तो नहीं ही खाया। मीना मैडम ने शादी के बाद स्कूल आना छोड़ दिया और पापा जी उसके बाद से किसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं गए। उनका हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर से विश्वास उठ चुका था। मेरी हैंडराइटिंग पर क्लास सेकंड के बाद से कभी ध्यान नहीं दिया गया, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है और मैथ्स मेरी इसी वजह से शायद कमजोर भी रह गई। अब मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि कब मेरा बेटा क्लास सेकंड में जाए और मैं कुछ महीनों के लिए ही सही अपने पापा जैसा महसूस कर पाऊं। थैंक यू। अब हमारे पास टाइम 3 मिनट है, तो हम कहानी सुनाएं कि पोएम? क्या सुनोगे आप लोग बताइए, यहाँ खुले बालों में कौन है? And we are not doing any Q&A. नहीं, बस इतना सही कहानी सुना रहे कि जवाब की कोई जगह ही कहाँ है। मतलब क्या वो नहीं सवाल। अच्छा, एक्चुअली इसके जस्ट बाद एक सेशन मेरा जो पहले जासमारी में है, हाँ, तो वहाँ पे है और वहाँ पे मैं हिंदी के बारे में बात करूंगा। वो हो सकता है आप लोगों को मजा है कि हिंदी में हम क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सीरियस रहेगा, हंसी मजाक वाला नहीं रहना चाहिए मामला। हालांकि लिख रहे हैं हिंदी में यही सबसे बड़ा मजाक है, बट फिर भी। तो खैर, तो पोएम सुनाते हैं। नहीं लगता है वो बात, तो जैसे दोनों सुना सकते। तो जैसे क्या होता है ना कि ये सारे रिश्ते, देखिए कहानी तब बनती है, कहानी बनती तब है ना जब, जैसे मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कहानी असली है क्या, अमिताभ बच्चन वाली, या कोई भी कहानी असली है क्या? देखिए कहानियों के साथ सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कहानियां कोई भी झूठ नहीं होती, या तो वो हो चुकी होती हैं, या तो वो हो रही होती हैं, या फिर वो होने वाली होती हैं। तो वैसे ही कुछ हर कहानी इस बात पे टिकी होती है। एक हवाई सबकी जिंदगी में काश होता है कि काश ये कर लिया होता, काश कि वो हो गए होते, काश कि कुछ कर लेते, और काश की वजह से ही कहानी और कविताएं बनती हैं। और अगली का कविता जो है उसका नाम है बातें। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सोचते हैं बट वो बातें बोल नहीं पाते, जैसे शायद मीना मैडम कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन ना बोल पाई हूँ। तो वो बातें जो होठों पे आके थमी थी, वो बातें जो होठों पे आके थमी थी, उन बातों में कितनी ही रातें जमी थी। वो बातें जो होठों पे आके थमी थी, उन बातों में कितनी ही रातें जमी थी। वो बातें जो बोली गई ही नहीं हो, वो बातें जो केवल समझी गई थी। वो बातें जो बोली गई ही नहीं हो, वो बातें जो केवल समझी गई थी। बातें जो जिद आई कि छूना है तुमको, बातें जो जिद आई कि छूना है तुमको, होठों की हट चुप रहना है उनको। पलों ने ठहर कर रोकी कई सांसें, तो कमरे की दीवारें चुपचाप खांसे। पलों ने ठहर कर रोकी कई सांसें, तो कमरे की दीवारें चुपचाप खांसे। तकिए पे बातों ने बदली थी करवट, चादर ने कह दी कहानी बसल बट। तुमने बातों को हथेली में भर के उठाया, और हौले से सर पे उनको सहलाया। कमरे के पर्दे हंसके हिले थे, कमरे के पर्दे हंसके हिले थे, बिन बोले बातों के अब सिलसिले थे। बातें जो आहों में ढलती गईं फिर, बातें जो आहों में ढलती गईं फिर, आहें जो पल में घुलती गईं फिर। बातें तो बातें हैं, खत्म होंगी एक दिन, बातें तो बातें हैं, खत्म होंगी एक दिन। रातें तो रातें हैं, सहर होगी एक दिन। वो जो कुछ भी था उसको प्यार ना बोलो, वो जो कुछ भी था उसको प्यार ना बोलो, वो जो कुछ भी था उसे ख्यालों से तौलो। सारी की सारी बातें इकट्ठा, कपड़ों में गुम था गई रात का चिट्ठा। सारी की सारी बातें इकट्ठा, कपड़ों में गुम था गई रात का चिट्ठा। सुबह उठ के होठों ने बातों की गठरी धीरे से चुपचाप माथे पे रख दी। वो बातें हमारी हंसी बन गईं फिर, वो बातें हमारी हंसी बन गईं फिर, वो बातें हमारी खुशी बन गईं फिर। वो बातें जो होठों पे आके थमी थी, उन बातों में कितनी ही रातें जमी थी। वो बातें जो बोली गई ही नहीं हो, वो बातें जो केवल समझी गई थी। थैंक यू, थैंक यू। और